कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग तीन ब्लू लाइन में लिखते हैं वर्कबुक में। तो पहले एक कर्व मिडल लाइन बनाएंगे, उल्टा सी बोलो, तो उल्टा सी जैसा कर्व बनाएंगे पहले, फिर मिडल से मिडल लाइन में स्लिपिंग लाइन छोटा वाला, पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, बन गया ईयर या गणा, जो भी आप बोलो। कैसे करना है फिर से एक बार, एक कर्व बनाएंगे मिडल में, मिडल लाइन पे छोटी स्लिपिंग लाइन, पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, ईयर, क्या पढ़ेंगे? ईयर, गणा, हम लोग गणा भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही डॉट वाले पहले लिख लेंगे, उसके बाद जहां स्पेस खाली है उसमें लिखेंगे। तो फिर से देखो, एक उल्टा कर्व बनाएंगे, मिडल लाइन पे स्लिपिंग लाइन, पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, ईयर, क्या पढ़ेंगे? ईयर। फिर से एक बार, उल्टा कर्व, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, ऊपर स्लीपिंग, बन गया ईयर या क्या कह सकते हैं गणा। फिर से एक बार देख लो, उल्टा कर्व, मिडल लाइन में ही जाएंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, बन गया ईयर या गणा। फिर से एक बार देखो, उल्टा कर्व बनाएंगे, मिडल लाइन में स्लिपिंग लाइन, पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, क्या बन गया? ईयर या गणा। तो इससे कोई भी पिक्चर नहीं बनता, इसलिए मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। तो ईयर से खाली ऐसे बोलेंगे, ईयर से खाली। तो ऐसे ही आप लोगों को वर्कबुक में लिख लेना है, इसके बाद हम उसको अपनी नोटबुक में लिखना सीखेंगे, है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको? ईयर, ईयर से खाली, गण, गण से खाली। तो समझ आ गया कैसे लिखना है? हम ज से जहाज कैसे लिखते थे? ऐसे करके ऐसे लिखते थे ना, ज से जहाज ऐसे लिखते थे। तो ये वही है, ऐसा मत समझ लेना ये अलग लेटर है, ये ऐसे लिखोगे तो ज से जहाज बन जाएगा। हमें कैसे करना है? कर्व बनाना है, मिडल में लाइन खींचनी है, यहाँ पे नीचे है कर्व, मिडल में नहीं है। तो हमें कर्व बनाना है, मिडल में स्लिपिंग लाइन बनानी है, पीछे स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लिपिंग लाइन। ये कर्व नीचे जाता है और इसमें मिडल में रहता है, तो ये दो लेटर अलग अलग बनेंगे। समझ आ गया? इसे ज से जहाज पढ़ेंगे, इसे ईया पढ़ेंगे या गणा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम वर्कबुक ले लेंगे, उसमें लिख लिया, और इसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम नोटबुक में लिखने वाले हैं, है ना। हमने वर्कबुक में पहले ट्रेस करके लिखा, फिर अपने आप लिखा, अभी हम अपनी नोटबुक में, यानी कि हिंदी की डबल लाइन वाली नोटबुक निकाल लेंगे और उसमें हर बार की तरह बीच में दो लाइन बना के ऐसे पेज तैयार कर लेंगे। अभी हम क्या लिखेंगे? ईया, यानी कि गण। कैसे लिखना है शुरू करते हैं। पहले मिडल में कर्व बनाएंगे, उल्टा सी, बीच में स्लिपिंग लाइन, पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, ईया। फिर से एक बार, उल्टा कर्व, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, ईया। फिर से एक बार, उल्टा कर्व, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, ईयर या गण, जो भी आप बोलना चाहो, सही में ईयर कहते हैं। फिर से एक बार, उल्टा कर्व, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, ईयर। फिर से एक बार, उल्टा कर्व, स्लिपिंग लाइन,
पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन, क्या बन गया? ईयर या गण, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, उल्टा कहो, मिडल में स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, गण। ठीक है, हम लोग अभी इसको गण बोलेंगे। ठीक है, तो उल्टा कहो, मिडल में स्लिपिंग, पीछे स्टैंडिंग, ऊपर स्लिपिंग, गण। उल्टा कहो, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, उल्टा कहो, मिडल में स्लिपिंग, पीछे स्टैंडिंग, ऊपर स्लिपिंग, बन गया ईयर। क्या पढ़ेंगे इस लेटर को? ईयर या गण। इस लेटर को क्या कहेंगे? ईयर। जैसे झंडे, जैसे झंडा, इसके बाद ये लेटर आता है, इसको क्या कहेंगे? ईयर या गण। गण से खाली, ईयर से खाली। तो इसको ऐसे ही लिख लेना है, पूरा पेज भर के प्रैक्टिस कर लेनी है और बोल बोल के लिखना है, गण, गण से खाली। ठीक है।